अल्लाह लेकुम डे स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप ऑफ इमेजनरी स्टोरीज में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जिनको हम कहते हैं मॉडर्न फैंटसी तो मॉडर्न फैंटासी बुनियादी तौर पे एक बहुत ही फेमस जॉनरा है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी आज हम देखेंगे कि ये होता क्या है और इसको हम क्यों अलग से पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉडर्न फैंटसी में ये आती है कि ये मॉडर्न टाइम में सेटअप होता है या फ्यूचर में सेटअप होता है स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ज़माने की फैंटेसी पढ़ रहे हैं अगर आप एटीन हंड्रेड्स की पढ़ रहे हैं तो उस वक्त का जो टाइम होगा ऑथर ने उसके मुताबिक लिखा होगा अगर आप बिल्कुल कोई नई फैंटेसी स्टोरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आपने सेलेक्ट किए उनके लिए तो वो आज के टाइम के मुताबिक लिखी गई होगी तो एक्चुअली जो टाइमिंग होती है जिसके अंदर वो कहानी लिखी जा रही होती है जो हिस्ट्री आप समझ लें या जो इवेंट जिसके अंदर चल रहा होता है वो आपका करंट मूमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि आप ऑथर किस ज़माने का चुन रहे हैं वो ऑथर अपने करंट मोमेंट में कहानी को इंटरव्यू करता है uh, हमारी जो मॉडर्न फैंटेसी है ये डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका प्लॉट डिफरेंट होता है इसके अंदर जो सिक्वेंसेज होते हैं इवेंट्स के दे आर एक्चुअली प्लॉटेड इन अ डिफरेंट वे और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इस किस्म की फिजिकल रियालिटीज़ दुनिया में होते हैं जो कि हमारी दुनिया में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते और जो लॉ ऑफ नेचर है वो एक्चुअली हमारे लॉ ऑफ नेचर काइंड काइंडा नहीं होते दैट्स डेट्स रीज़न हम इसे कह रहे हैं कि ये फैंटसी है uh, उसके अलावा इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हम इसके अंदर जानवर होते हैं जो आपसे वैसे ही बात करते हैं जैसे इंसान करते हैं जैसे आप बात करते हैं एग्जॉटिक किस्म की लोकेशंस होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती हैं जो बुनियादी तौर पर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती कलरफुल किस्म के करेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं फ़नी होते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते और कुछ अदर वर्ल्डी बींग्स कैरेक्टर्स होते हैं मॉडर्न फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर मौजूद होते हैं अब मॉडर्न फैंटेसी की जब हम कहानियाँ बच्चों के लिए चूज़ करते हैं तो हमें इसके अंदर क्या देखना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये देखनी चाहिए कि जो कुछ भी उसके अंदर कहानी लिखी गई है उसमें जो सेटिंग है वो कुछ ना कुछ ओरिजिनल ज़रूर लगे और कोई ना कोई वो फिज़िकल रूल्स के साथ मैच हो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही ऐसी कहानी हो जिसका हमारी फिजिकल रियलिटी हमारी दुनिया के लॉज और नेचर के लॉज से बिल्कुल ही कोई ताल्लुक ना हो करैक्टर ऐसे करेक्टर हों जो बिलीवेबल हों उनको देख के यकीन आए कि हाँ भाई कोई रियल करैक्टर्स हो सकते हैं वही करेक्टर्स ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट को और बच्चों को उस कहानी से इंगेज करती है और उसमें उनको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है और कनेक्शन बनता है और उसका प्लॉट जो है वो एंगेजिंग हो बोरिंग स्टाइल में ना लिखा हो या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना हो या बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन ना हो द प्लॉट शुड बी वेरी इंगेजिंग जिससे बच्चे कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लें दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है एक अच्छी फैंटसी कहानी का वो ये है कि कहानी का बुनियादी मकसद ये है कि वो शुड भी थाट प्रोवकेंगे आप किसी न किसी ह्यूमन कंडीशन पे कहानियाँ बनी होती हैं हमारी फ़ैन्टेसी स्टोरीज आप बच्चों को उन कहानियों को पढ़ाने का मकसद होता है कि बच्चे उसके बारे में सोचें सोचें कि ये ह्यूमन कंडीशन रियल हो सकती है अगर हमें ऐसी दुनिया में रहना पड़ जाए या अगर ये जनरली एग्जिस्ट करती हूँ तो उसमें ह्यूमन क्या करेंगे सो इट शुड बी क्लोज़ टू द रियलिटी ताकि बच्चे ये इमेजिनेशन कर सकें ये से गुजर सकें सो so, uh, सबसे uh, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने ये आती है कि जब बच्चे फैंटेसी पढ़ते हैं तो वो फैंटेसी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी अपनी रियलिटी है हमारी अपनी दुनिया है उससे बहुत ही डिफरेंट होती है इसके थ्रू बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंगेज हो सकते हैं मोटिवेट हो सकते हैं क्योंकि फैंटसी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है उसमें करेक्टर्स जो हैं वो uh, बहुत ही इंगेजिंग भी होते हैं दूसरे के वो अदर वर्ल्ड ही होते हैं बावजूद इसके बच्चे उनके साथ एक दोस्ती कर सकते हैं उनके साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं ये जो इंगेजमेंट है वो उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी फैंटेसी स्टोरीज़ में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं या क्लाइमैक्स आ रहे होते हैं बच्चे उन क्लाइमेस को देख के जो दूसरी दुनिया में हो रहे होते हैं और फैंटसी करैक्टर्स कर सकते हैं वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग उस तरीके से सीख सकते हैं और वो देख सकते हैं कि यही सिचुएशन मल्टीपल जगह पे आए तो उससे किस किस्म के मल्टीपल सोल्यूशन निकाल सकते हैं दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों फेंटी स्टोरीज हम सबको बहुत ही ज़्यादा फेंटसाइज करती हैं बहुत ही ज़्यादा इंगेज करती हैं बहुत ही ज़्यादा वो हमें एक फ़न प्रोवाइड करती हैं दे आर वेरी डिलइटफुल इनफैक्ट बेस्ट रीज़न ये आपको एक किस्म का स्ट्रेस से रिलीफ देती हैं आपको एक जो हमारी हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है इससे हमें स्केप करने का रास्ता देती हैं और उसके अंदर हम रिलैक्स होकर वो कहानी पढ़ते हैं और हम अपनी दुनिया के सिनेरियो से निकल के एक फैंटेसी की दुनिया में एंटर हो जाते हैं आ, और हमें उस फैंटेसी की दुनिया में वो चोर्स नज़र नहीं आ रहे होते जो हमारी आम जिंदगी में हमें करने पड़ते हैं या हमारी एकेडमिक लाइफ में स्कूल के होमवर्क और उसकी रूटीन को फॉलोअप करने पड़ते हैं तो इट इज़ गिविंग यू आर अदर रूटीन एंड एंड एक्चुअली रिलैक्सिंग आज सो इट इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी गुड जनरा जो कि हमें बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए